कितने दिन दिन कितने हो गए ये बताओ इसके कंप्लीट। हाँ ना आज 10 ये महीने गांठ तो यूं ही है, चमड़ी की गांठ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 10 महीने और 7 दिन हो गए भाई लोग, 10 महीने और 7 दिन हो गए। और पशुपालक भाई बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि इसको चेक करो चेक करो, क्या पता इसके कुछ प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम है क्या। देखिए एकदम से नॉर्मल कंडीशन है, मैं नजदीक खड़ा हूँ, उसके बावजूद कितना अच्छी तरीके से जुगाली कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसे? भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर इसका बच्चा नहीं घूमता ना, आप कह रहे हैं भाई बच्चा नहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा नहीं घूमता ना, ये उठना बैठना शुरू कर देती। हाँ, और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती ना, तो ये जोर करना शुरू कर देती। जबकि देखिए एकदम से एक्टिव है, कोई दिक्कत इसको है ही नहीं, आप घबराए नहीं। यहाँ देखिए पुट्ठे धीरे 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 हो रहे हैं ना, गड्ढे जो फट रहे हैं ना, तो आराम से जैसे 10 महीने और फिक्स कितने बताए आपने? 7 दिन 7 दिन। तो 3 दिन और वेट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं ना कुछ, तो थोड़ा सा दूध और तेल दीजिए। दूध जैसे आधा लीटर ले लीजिए चाय, और उसमें 100 ml सरसों का तेल मिला दीजिए, या फिर ये अपना जो तिल वाला तेल है ना वो मिला दीजिए। सुबह और शाम आप देते रहें, अगर ये खा लेती है 2 दिन में 3 दिन में आराम से डिलीवरी हो जाएगी, 1% घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पशुपालक भाई है, चिंता तो करते रहते हैं, लेकिन जब गोबर सही है और सही पेशाब सही है, जुगाली सही है, खाना पीना सही है, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।